ये हैं मशहूर एक्टर राजपाल यादव जी के पिताजी। प्रणाम बाबूजी। अभी फिलहाल राजपाल यादव जी के घर के अंदर अभी पहुंच चुके हैं। वहां से स्टार्ट होता है, उस एंड तक देखिए, आप देख सकते हैं वहां पर यादव भवन लिखा हुआ है। रोड के इस पार यहां पर उनका गैराज है, जहां पर उनका मतलब जो कार कलेक्शन वगैरह है। तो अभी हम जो राजपाल यादव जी का जो गैराज है, दूसरा वाला जो घर है, उस घर के अंदर पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए और बहुत खास वीडियो के अंदर। आज आपका स्वागत है दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई फिल्म की शूटिंग लोकेशन नहीं दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक मशहूर कलाकार, कॉमेडियन, एक्टर राजपाल यादव जी का घर आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 16 मार्च 1972 के अंदर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के कुंद्रा गाँव के अंदर एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ था जिसे हिंदी बोलना अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन बाद में जाके वो हिंदी फिल्मों का एक मशहूर कॉमेडियन एक्टर बना। तो आज मैं राजपाल यादव जी के घर पहुंच गया हूं। तो राजपाल यादव जी का जो गांव है वो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के मतलब कुंद्रा एक गांव है, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। यहीं पर राजपाल यादव जी का घर है, यहीं पर राजपाल यादव जी का जन्म हुआ था। तो आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर हम यहाँ पर जो राजपाल यादव जी के जो पिताजी हैं, भैया वगैरह यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे हमने परमिशन ले ली है अंदर यहाँ पर वीडियो बनाने की। तो अभी भी जो राजपाल यादव जी के जो पिताजी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर घर पहुँचते हैं तो ये देखिए, ये तो थोड़ा गाँव का नज़ारा है, ये रोड जा रही है इस प्रकार से, और इधर दोनों साइडों में ही मतलब इनका घर यहाँ पर बना हुआ है। रोड के इस पार यहाँ पर उनका गैराज है, जहाँ पर उनका मतलब जो कार कलेक्शन वगैरह है वो यहाँ पर है। जैसा कि जो राजपाल यादव जी के जो भाई हैं वो मतलब अभी भी यहाँ पर रहते हैं, खेती वगैरह यहाँ पर करते हैं, ठीक है। राजपाल यादव जी तो मुंबई रहते हैं, लेकिन उनके भाई जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो बहुत से ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली वगैरह यहाँ पर हैं, कार कलेक्शन है अभी भी उनका यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको इस घर का पूरा अंदर से नज़ारा इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं, और राजपाल यादव जी के जो पिताजी हैं उनसे भी हम आपको मिलाने वाले हैं। तो देखिए, ये गेट है, ये गेट है देखिए, और हम अभी फिलहाल राजपाल यादव जी के घर के अंदर अभी पहुंच चुके हैं। जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं, ये एक पीपल का बड़ा सा पेड़ यहाँ पर है, और ये अंदर का नज़ारा है। यहीं पर राजपाल यादव जी के पिताजी यहाँ पर बैठे रहते हैं, अभी वो आ रहे हैं, थोड़ा वॉशरूम गए हैं, तो यहीं पर राजपाल यादव जी के पिताजी यहाँ पर बैठा करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा इधर का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये एक मंदिर है, आ जाओ। तो इस मंदिर का थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए, अभी हमने यहाँ पर परमिशन ले ली है तब हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और कुछ छोटे मंदिर यहाँ पर और बने हुए हैं। इसके अलावा ये पूरी इस घर के इस प्रकार से देखिए, ये बाउंड्री हो रही है, आप देख सकते हैं, ये इधर से देख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो इनका जो घर है वो देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। वहाँ से स्टार्ट होता है, उस एंड तक देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पर यादव भवन लिखा हुआ है। तो वो वहाँ पर उनका पुराना घर है, वो घर आप देख सकते हैं, जो यादव भवन जो लिखा हुआ है वो उनका पुराना घर है, जहाँ पर राजपाल यादव जी का जन्म वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ का नज़ारा है। अभी हम उधर आगे भी चलेंगे तो हम आपको मिलाते हैं जो राजपाल यादव जी के जो पिताजी हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। तो इस गेट को तो फिलहाल अभी हम बंद कर देते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, जो राजपाल यादव जी के जो पिताजी हैं वो यहीं पर बैठा करते हैं, तो नमस्ते करते हैं इनसे। तो ये हैं मशहूर एक्टर राजपाल यादव जी के पिताजी। प्रणाम बाबूजी। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, और इनके भाई वगैरह यहाँ पर रहते हैं। तो इधर से थोड़ा मैं आपको घर का और नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए, ये कुछ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं और कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, ये गेट यहाँ पे लगा हुआ है,
दूसरा गेट जो पुराना जो घर है, तो यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी कि कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। ये गेट यहाँ पे लगा हुआ है। और जो यादव भवन जो है, हमारे को जो परमिशन मिली है वो यहीं तक मिली है, मतलब यहाँ से आगे नहीं जाना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ से एक बार यादव भवन दिखा देता हूँ। जो तो पुराना जो घर है जहाँ पर राजपाल यादव जी का जन्म जहाँ पर हुआ था, वो आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है यादव भवन। तो अभी मैंने आपको राजपाल यादव जी के जो पिताजी हैं उनसे तो मैंने आपको मिला दिया है, और ये जो घर है उनका जहाँ पर राजपाल यादव जी का जन्म हुआ था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस घर के जस्ट सामने ही उनका गैराज है, यानी कि दूसरा घर यहाँ पे बना हुआ है, तो वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। उनको जो कार कलेक्शन वगैरह है, जो गैराज जो यहाँ पे बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टी शर्ट के ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से बैग टांगने से ये थोड़ा मैला हो चुका है। तो ये तो अभी हम जो राजपाल यादव जी का जो गैराज है, दूसरा वाला जो घर है, उस घर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं, देखिए ये इधर आपको कुछ ट्रैक्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो राजपाल यादव जी के जो भाई वगैरह हैं वो यहाँ पर खेती किया करते हैं, तो इनके ट्रैक्टर वगैरह है यहाँ पर। देखिए आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर वगैरह है यहाँ पर, एक ट्रैक्टर उधर है और एक ट्रैक्टर यहाँ पर है। अभी जो कार्स वगैरह यहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो ये है सुजुकी की ब्रेजा, ये इधर से आ जाओ, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक ये कार है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं इधर और बहुत सी कार हैं। ये यूपी के नंबर की है, लेकिन ये देखिए ये महाराष्ट्र के नंबर की है। ये वाली जो कार जो आप देख पा रहे हैं ये महाराष्ट्र नंबर की है, ठीक है। और देखिए ये जो बाइक आप देख पा रहे हैं ये है राजपाल यादव जी की बाइक एवेंजर, आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी है अभी। अभी इसके अलावा ये स्कॉर्पियो है इधर यहाँ पर, और ये उधर सफारी है, ये देख सकते हैं। ये राजपाल यादव जी का गैराज यहाँ पर है। इधर और ट्रैक्टर है, और ये इधर तीन उधर ट्रोलियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। और ये घर एक बार आप दिखा दो यहाँ से, तो ये उनका घर है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो राजपाल यादव जी जो थे उनका घर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद भी आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। बहुत दूर से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसे आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सबसे पहले सांझापुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। सांझापुर रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है बंडा, तो बंडा से आप फिर कुंद्रा गांव आ सकते हैं। तो कुंद्रा के अंदर ही राजपाल यादव जी का घर है, तो इस प्रकार से आप इनके घर आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, तो आपको ये वीडियो जरूर से बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको राजपाल यादव जी का जो डेयरी जो फार्म हाउस है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिस स्कूल से राजपाल यादव जी ने पढ़ाई की थी प्राइमरी स्कूल 5वीं तक, वो स्कूल भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।